भक्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए अधिकारी हैं, लायक हैं, और आप अपने आप को प्रभु के हवाले कर सकते हैं। ये जो कृपा है, पहले दिन मैं कह रहा था, प्रथम दिन के सत्संग में, कि हमको अपनी पात्रता का निर्माण करना चाहिए। पात्रता का निर्माण हो तो भगवान की कृपा तो बरस रही है। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, तो सच कहता हूं मैं भगवान ये तकदीर बदल जाए। और सुनते हैं तेरी रहमत, भगवान की कृपा प्रतिक्षण अभिवर्षित हो रही है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तो ये दिल की कली खिल जाए। तो कृपा तो भगवान की अहर्निश बरस रही है, लेकिन उस कृपा को हम कैसे पा सकते हैं? उस कृपा को पाने की जो कला है, वो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि भक्ति मार्ग के माध्यम से हमको बताई है। चार ग्रंथों के आधार पर, पहले तो इसका नाम क्या है, पुष्टि मार्ग है, अनुग्रह मार्ग है, द पाथ ऑफ ग्रेस है, वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं इसे, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद भी कहा जाता है इसे। जहां ब्रह्म शुद्धाद्वैत है, जैसे आप है ऐसा ब्रह्म है, अद्वैत है जहां द्वैतवाद नहीं है। भगवान के स्वरूप जितने भी आचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य जी हुए, श्री निम्बार्काचार्य जी हुए, श्री माध्वाचार्य जी हुए, भगवान शंकराचार्य जी हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हुए, जितने जितने आचार्य हुए, सब ने अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने विचार से, अपने अपने संप्रदाय में उस ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपने विचार से जो प्रस्तुत किया है, उसको हम वैष्णव संप्रदाय पुष्टि भक्ति मार्ग के नाम से जानते हैं। और चार ग्रंथों के आधार पर पुष्टि मार्ग की नींव को रखा गया है। ये कोई काल्पनिक मार्ग नहीं है। वल्लभाचार्य जी के मन में आया, कागज कलम ली और पुष्टि मार्ग की रचना करना शुरू कर दिया, ऐसे कोई काल्पनिक मार्ग नहीं है। वल्लभाचार्य जी का मार्ग है जिसमें चार ग्रंथों के आधार पर पूरी भक्ति मार्ग की नींव को रखा गया। वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। वेद, वेदों के माध्यम से, वेदों के आधार से पुष्टि मार्ग की रचना हुई है। श्री कृष्ण वाक्यानि, भगवत गीता के माध्यम से उसको आधार बना के पुष्टि मार्ग की रचना हुई है। ब्रह्मसूत्र, व्यास जी के ब्रह्मसूत्रों के आधार पर पुष्टि मार्ग की रचना हुई है। और चौथी बात, श्रीमद् भागवत जी के आधार पर पुष्टि मार्ग की रचना की गई है। इन चारों ग्रंथों के आधार पर पुष्टि भक्ति मार्ग की नींव को रखा गया है। और जब चारों बातों को हम चिंतन में रखते हैं, पुष्टि मार्ग के मुख्य मुख्य ग्रंथ कौन से हैं, आज मैं थोड़ी पुष्टि मार्ग के ऊपर विशेष बात इसलिए कर रहा हूं कि कुछ उस संबंध में ज्यादा प्रश्न मेरे पास आए हैं। तो इन चार ग्रंथों के आधार पर पुष्टि मार्ग का सिद्धांत और शास्त्र की मर्यादाएं नक्की की गई। साथ ही साथ श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के 16 ग्रंथ, 16 ग्रंथों का एक संपुट है जिसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका उपदेश है। निबंध कहा जाता है उसमें सर्वनिर्णय प्रकरण, शास्त्रार्थ प्रकरण और भागवतार्थ। संप्रदायों में बहुत भक्ति की बात लिखी है, कीर्तन की बात लिखी है, नाम स्मरण की बात लिखी है, और सभी संप्रदाय मुक्ति की ओर हमको ले जाते हैं, सभी संप्रदाय मोक्ष की ओर हमको ले जाते हैं। कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि मुक्ति को देने वाला जो है, मोक्ष को प्रदान करने वाला जो है, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? मुक्ति भी जिसके आश्रित है, ऐसे उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग मिल सकता है? ये चिंतन वल्लभाचार्य जी के मन में चल रहा था। उसी समय कहते हैं श्रावण मास की एकादशी की मध्य रात्रि को गोकुल में ठकरानी घाट पर स्वयं श्री वल्लभाचार्य जी के सामने साक्षात गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी प्रकट होते हैं और प्रकट होकर श्रीमद वल्लभाचार्य जी को कहते हैं कि हे वल्लभ,
संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो सर्वदोष निवृत्ति ही। मैं वचन देता हूं कि जिन व्यक्तियों को तुम ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान करोगे उन जीवों का हाथ और साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भगवान श्रीनाथ जी प्रकट होकर वचन देते हैं, और हाथ और साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और ब्रह्म संबंध मंत्र की दीक्षा सबसे पहले स्वयं श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को श्रावण मास की एकादशी की मध्य रात्रि को गोकुल में ठकरानी घाट पर दी थी, और तब से लेकर आज तक उसी ब्रह्म संबंध मंत्र की परंपरा ब्रह्म संबंध देने वाले जो वल्लभ वंशज आचार्य है उनके द्वारा तो ब्रह्म संबंध लेने के बाद प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत उपवास करना चाहिए। एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में एकादशियां आती हैं, तो वर्ष में 12 मास में 24 एकादशियों का उपवास करना चाहिए, 4 जयंतियों पे भी व्रत करना चाहिए, रामनवमी का व्रत करना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। कम से कम क्या करना चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिन्ह जिसमें हो ऐसा तिलक हमारे ललाट पे होना चाहिए। अगर कुमकुम का तिलक करते हैं तो बहुत भाग्य की बात है, अगर नहीं कर सकते हैं, मानो संसार की कोई लाज लगती हो हमें और तिलक धारण नहीं कर सकते हैं, तो उपाय भी बताया कि आप भगवान का प्रसादी जल हाथ में लीजिए, हाथ में लेकर अष्टाक्षर मंत्र 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम हुए जल से लेकर आप तिलक बना लीजिए, तिलक भी लग जाएगा और संसार में उसका दर्शन भी नहीं होगा। बहुत नियम बनाए और नियम पालन के सरल तरीके भी बताए हैं। तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया है। होती हो शास्त्र की निंदा होती हो तो एक हिंदू होने के नाते, एक वैष्णव होने के नाते हमें कभी भी वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम विरोध न कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे सुनना भी नहीं चाहिए। विधि निषेध ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सभी संप्रदायों। जिस कुल में आप एडमिशन लेते हैं, कई बार मैं कहता हूं कि भारतीय हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जैसे एक विश्व यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय होता है, उसमें कई फैकल्टीज होती हैं, साइंस की फैकल्टी होती है, कॉमर्स फैकल्टी होती है, आर्ट्स फैकल्टी होती है, ऐसे वैदिक हिंदू सनातन धर्म अपने आप में एक वैश्विक यूनिवर्सिटी है, एक वैश्विक विद्यालय है। इसमें 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक शाक्त परंपरा है, एक शैव परंपरा है और एक विष्णु परंपरा है। जो शाक्त परंपरा में है वो अष्टमी का हवन करते हैं, वो स्फटिक की माला धारण करते हैं, वो चंद्राकार गोल तिलक करते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं, अनेक प्रकार की शाक्त परंपरा है। जो शैव परंपरा है वो त्रिपुण धारण करते हैं, रुद्राक्ष को धारण करते हैं, बेलीपत्र चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, रुद्राष्टक का जप होता है, उपवास आदि सोमवार आदि का उपवास व्रत होता है, शैव परंपरा है। और विष्णु परंपरा एकादशी का व्रत करते हैं, तुलसी की कंठी को धारण करते हैं, ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं, परस्पर भगवत स्मरण करते हैं, जिसके जो इष्टदेव हैं अपने अपने, श्री राम जी को, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई केवल राधा कृष्ण को, कोई केवल कृष्ण को, कोई द्वारकाधीश के रूप में, कोई मथुराधीश के रूप में, कोई गोविंद गोपाल माधव या मुरारी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, अलग अलग भाव से अपने अपने प्रभु को भजते हैं। और जो विष्णु विग्रह की सेवा करते हैं, हर रूप में भगवान विष्णु का विग्रह है, तो जो उनका सेवन स्मरण करते हैं वो विष्णु परंपरा का प्रकार होता है। शाक्त परंपरा है, जैसे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस फैकल्टी होती हैं, ऐसे इस हिंदू वैदिक सनातन धर्म की शैव परंपरा एक फैकल्टी है, शाक्त परंपरा एक फैकल्टी है और वैष्णव परंपरा भी एक फैकल्टी होती है। अब हम जिस फैकल्टी में एडमिशन लेते हैं
उस फैकल्टी के अनुरूप हमको अध्ययन अभ्यास करना होता है। अगर आपने शैव परंपरा में दीक्षा ली है तो भगवान शिव की आराधना वो आपका स्वधर्म है। शाक्त परंपरा में आपने दीक्षा ली है तो शाक्त परंपरा में भगवान शक्ति की शक्ति रूपा माँ चंडिका है, दुर्गा है, अंबिका है, इनकी आराधना करना शक्ति परंपरा का क्रम है। अगर आपने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली है तो भगवान विष्णु की आराधना करना, उनके नियमों को विधि निषेधों का पालन करना, वो हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है। एडमिशन आप कॉमर्स में लेते हैं, आप पुस्तक घर में लेकर आते हैं साइंस की और अभ्यास करते हैं आर्ट्स फैकल्टी का, तो अर्थ का अनर्थ बहुत बार हो जाता है, वो वस्तु सरल होने के बदले कई बार कठिन हो जाती है। बहुत स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों ने हमारी मर्यादाएं नक्की की। तो अलग अलग भाव से शाखों को तुम क्या छुआए और कांटों से भी खुशबू आए। हमारे शास्त्र तो क्या करते हैं, गुरुजनों को संतजनों को ऐसे ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि वो शाखों को छू के आते हैं तो फूल में तो भगवान ने खुशबू रखी है, पर शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए, देखें और दीवाना कर दे शायद उनको जादू आए। भगवान के सम्मुख जाते हैं और कई बार हम अपनी सुधबुध भूल जाते हैं, प्रभु को देखते रह जाते हैं, टकटकी लगा कर देखते हैं। और याद रहे मनोचिकित्सक विज्ञानी जो हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी में एक बात लिखते हैं कि जब हम बहुत हर्ष में आते हैं तो जब हमारे हर्ष के भी आंसू होते हैं और शोक के भी आंसू होते हैं, तो जब हम हर्ष में आते हैं तब हमारा जो अश्रुपात होता है वो आंख की अंदर की ओर से होता है, और हम जब शोक में आते हैं तब हमारा अश्रुपात होता है वो आंख की बाहर की ओर से होता है। आंसू दोनों में निकलते हैं, लेकिन अगर हर्ष के हैं तो अंदर से आते हैं और शोक के हैं तो बाहर से आते हैं। एक प्रश्न दूसरा भी आया था कि मृत्यु और मृत्यु के साथ हिंदू धर्म का क्या संबंध है और सब लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं, ऐसा एक आज का प्रश्न था। मैं किसी स्वतंत्र विषय पर बोलने के बदले आज जितने प्रश्न आए हैं उन सभी को मैंने देख लिया है और उन प्रश्नों का समाधान एक के बाद एक मैं विषय के अंतर्गत करता जा रहा हूं। प्रश्न आया था कि मृत्यु से व्यक्ति डरता क्यों है, जब आप भगवान पे पूर्ण भरोसा करने लग जाएंगे तो मृत्यु से डर अपने आप आपका दूर हो जाएगा। और याद रहे हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु को अमंगल नहीं माना गया है, मृत्यु को अशुभ जरूर माना है लेकिन मृत्यु कभी भी अमंगल नहीं होती है। हमारे के निकट का कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो हमें शोक होता है, शोक होता है, हमारे मन में वेदना होती है कि कैसे हम साथ में रहते थे, कैसे भोजन करते थे, कैसे हम साथ में रहे हैं, अचानक आज क्या हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहा, शोक जरूर होता है। मृत्यु को अशुभ जरूर माना है लेकिन मृत्यु को हिंदू शास्त्रों ने, हिंदू धर्म ग्रंथों ने अमंगल कभी भी नहीं माना है। पुरानी परंपरा को जानने वाले लोग आप देखेंगे तो अगर किसी को कंधे पर ले जा रहे हैं, अगर वो वहां रास्ते में खड़े होते हैं तो पैर से चप्पल निकालकर उसे प्रणाम किया करते थे। आज भी ये परंपरा है कि ले जाने वाले को अगर सामने हम देख लेते हैं कि अगर किसी को कंधे पर ले जा रहे तो पैरों में से चप्पल खोल के और उसे प्रणाम करते थे। क्योंकि आज फिर हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र की विचारधारा तो ये मानती है कि आज फिर एक आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए अन्य यात्रा को प्रारंभ कर रहा है, केवल उसने इस शरीर को छोड़ा है, आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती है। रसकांत जी लिखते हैं कि जब हम किसी की मृत्यु होती है वैसे तो विनोबा जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है मृत्यु के बारे में, मृत्यु और जन्म क्या है। विनोबा जी लिखते हैं कि जैसे हम झूले पर झूलते हैं और झूला ऐसे जाता है, यहां अटकता है क्षण भर के लिए
और फिर अपनी यात्रा को जाता है, फिर अटकता है आगे की ओर, वहां भी अटकता है क्षण भर के लिए। ये जो अटकाव है, आगे अटकना जन्म है और पीछे अटकना मृत्यु है। बाकी के निरंतर ये यात्रा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म और मृत्यु की 84 लाख योनियों की ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, वो निरंतर चलता रहता है। 84 लाख योनियों को जब हम पसार करके आते हैं, तब हमको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मेण हीन पशु भी समान। आहार भोजन हमको भी चाहिए और पशु पक्षियों को भी चाहिए। भय हमको भी लगता है और पशु पक्षियों को भी लगता है। निद्रा हमको भी चाहिए और पशुओं को भी चाहिए। सभी चीज समान है तो हमारे में और पशुओं में अंतर क्या रहा? शास्त्र कहता है धर्मो ही एको अधिको विशेष। मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा परिचय क्या है, मुझे किस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, मुझे किस मार्ग पे चलना है, इसका ज्ञान होना यह मनुष्य को हो सकता है, पशु को या पक्षी को नहीं हो सकता है। और जो मनुष्य के जीवन में मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरे ईश्वर कौन है, मेरा मंत्र क्या है, मेरे गुरु कौन है, मेरे माता पिता कौन है, माता पिता के प्रति आदर भाव नहीं होता, देवी देवताओं के प्रति आदर भाव नहीं होता, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आदर भाव नहीं होता, शास्त्र कहते हैं कि धर्मेण ही न पशु भी समाना, उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए जब हम किसी को कांधे पर ले जाते हैं, तब सबसे पहले उसे नहलाया जाता है, फिर कोरे कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर फूल हार चढ़ाए जाते हैं, पंचरत्न रखे जाते हैं। अस्कान जी लिखते हैं कि साज सजाले चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। जब हमारा शरीर छूटता है, तब आत्मा परमात्मा से विलीन होने के लिए जाती है। उस समय क्या होता है, तो वो आत्मा अपने साजन के घर को चली। साज सजाले चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। नहाले धोले शीश गुथाले, वहां से फिर नहीं आना होगा। साज सजाले चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। मिट्टी उड़ावन मिट्टी बिछावन, और मिट्टी में मिल जाना होगा। साज सजा ले चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। एक समय ऐसा आता है जीवन में कि हम अपने सभी आसपास के वातावरण को छोड़कर और उस परम पिता की गोद में अपने को पूर्ण विराम दे देते हैं। भगवान बार बार गीता में इस बात को दोहराते हैं कि तू मेरा है, हे जीव तू मेरा है, समझ, मुझे समझ, अपने आप को समझ और मेरा हो जा, मेरा हो जा। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतन सनातन, तू मुझसे ही प्रकट हुआ है, मेरा ही अंश है, मुझे तू अपना ले, मुझे तू स्वीकार कर ले। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच, मैं तुझे मुक्ति की प्रदान कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, तू मेरे शरण में आ जा। भगवान बार बार कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज, तू सभी तेरे क्रियाकलापों को छोड़कर शरणागत हो जा। लेकिन जीव हो नहीं पाता है। बहुत महंगा घर आपके पास हो, महंगी में महंगी गाड़ी आपके पास हो, बेश कीमती जवेरात आपके पास हो, किसी के पास न हो ऐसी सुंदर घड़ी आपके पास हो, सब कुछ आपके पास हो, कभी भी जिस घर को आप अपना मानते हैं, कभी भी वो घर आपको कहता नहीं है कि मैं भी तेरा हूं। बेश कीमती जवेरात आपके पास हो, करोड़ों रुपए के जवेरात आपके तिजोरी में हो, आप उन्हें कहते हैं कि ये सब मेरा जवेरात है, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन वो जवेरात कभी भी नहीं कहता कि हम भी तेरे हैं। महंगी में महंगी गाड़ी आपके पास हो, आप कहते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, ये नई गाड़ी है, ये इतनी कीमती गाड़ी है, लेकिन गाड़ी कभी नहीं कहती कि मैं भी तेरी हूं। रोलेक्स लेके आए, सीको लेकर आए, रेमंड वेल लेकर आए, कार्टियर लेकर आए, महंगी में महंगी आप घड़ी लेकर आए, आप कहते हैं कि ये मेरी घड़ी है,
ये 5 लाख की है, ये 7 लाख की है, ये 8 लाख की है, लेकिन वो घड़ी कभी नहीं कहती कि मैं भी तेरी हूँ। जो हमको अपनेपन का वादा नहीं करते उसे हम अपना अधिकार से कहते हैं, और भगवान कहते हैं कि ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तू मुझसे प्रकट हुआ है और मेरे में ही समा जाने वाला है। बस इतनी सी बात को समझते समझते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। मैं गुजरात में कई बार अपने युवा मित्रों से कहता हूं कि घर से मंदिर 5 या 7 मिनट का समय लगता होगा, 5 से 7 मिनट घर से मंदिर का रास्ता होता है, लेकिन घर से मंदिर आना है ये विचार आते आते 50 से 70 वर्ष निकल जाते हैं। 50-50 साल तक हमको ये ख्याल नहीं आता है कि हमें भी मंदिर जाना चाहिए। अभी तो क्या, हम युवान हैं, समय आएगा तब भक्ति करेंगे। धर्म हमारा काम नहीं, ये तो बुढ़ों का काम है। भक्ति अभी हमारा काम नहीं, अभी तो हम उम्र होगी तब करेंगे। ये सब बहुत अज्ञान की बातें हैं, इसमें संभलना चाहिए। ए मेरे हम सफर चल कहीं और चले, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, क्योंकि बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। एक उत्क्रांति हो रही, क्रांतिमय विचार तो वो है कि बताइए ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, प्रणाम क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए। तर्क हो, जिज्ञासा हो तो उसका समाधान भी हो सकता है, लेकिन कुतर्क का हम नहीं मानते हैं। आप लाख कोशिश करो हम नहीं मानेंगे, तो ऐसे को भगवान भी समझा नहीं सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। महाभारत के युद्ध में कहा जाता है कि द्रौपदी दो बार 14 आंसुओं से रोई है और 2 बार अट्टहास करके हंसी है। जब अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध किया था, जब 14 आंसुओं से द्रौपदी रोई है। और जब दुर्योधन ने भरी सभा में चीर हरण किया था, वस्त्र हरण किया था, उस समय द्रौपदी 14 आंसुओं से रोई है। और 2 वक्त कब हंसी है, पूरे महाभारत के प्रसंग में 2 बार 14 आंसुओं से द्रौपदी ने रुदन किया है और 2 बार अट्टहास करके, जैसे कोई पुरुष हंसता हो ऐसे अट्टहास करके द्रौपदी ने हंसी है। एक प्रथम अट्टहास तो उसने किया था जब हस्तिनापुर के महल में दुर्योधन युधिष्ठिर को मिलने के लिए आता है और थल को जल और जल को थल समझकर वो पैर रखता है और अटारी में खड़ी खड़ी द्रौपदी अट्टहास करके हंसती है कि ये क्या युद्ध करेगा, अंध का पुत्र भी अंध ही होता है। जो सूत्र, जो एक वाक्य संपूर्ण महाभारत का कारण बन गया, वो एक वाक्य के कारण पूरा महाभारत हुआ है। और दूसरी बार द्रौपदी ने अट्टहास किया था जब पितामह भीष्म शरशैया बाण की शैया पर लेटे हुए थे, संक्रांति के सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। जब मकर संक्रांति का सूर्य आने को था, उसकी प्रतीक्षा बाण की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म ने पांडवों को बुलाया, कौरवों को बुलाया, श्री कृष्ण को बुलाया और सभी संतों को बुलाया। और उस समय पितामह भीष्म अपने समय निकट आने की तैयारी थी, उस समय पांडवों को और कौरवों को भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे कि अब कुछ समय में मैं अपने प्राणों को छोड़ने वाला हूं, लेकिन उससे पूर्व मैं आप सभी को उपदेश देना चाहता हूं। और उस समय पितामह भीष्म ने कहा था कि नीति क्या होती है, अनीति क्या होती है, सद्धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, आचार विचार किसे कहा जाता है, धर्म और अधर्म किसे कहा जाता है, मर्यादा और अमर्यादा किसे कहा जाता है,
ये सब बातें पितामह भीष्म अपने पुत्र प्रपौत्रों को सुना रहे थे। जैसे ही द्रौपदी को अपने पांडाल में खबर पड़ी कि पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं, उस समय अपने पांडाल से, अपने तंबू से द्रौपदी केश को बिखेरे हुए, अपने वस्त्रों का भी ध्यान न रहा और दोनों हाथ को ऊंचे उठाकर और अट्टहास करती हुई पितामह भीष्म के पास आती है। और पितामह भीष्म के पास आकर द्रौपदी अट्टहास करती है, भगवान श्री कृष्ण उसको कौनी लगाकर कहते हैं कि ये अविवेक योग्य नहीं है। जब पितामह भीष्म आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तब अपने बड़ों के सामने इस प्रकार का अविवेक योग्य नहीं है। लेकिन द्रौपदी नहीं मानती है। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी ये अविवेक बंद हो और इसका कारण बताओ। तब अर्जुन को द्रौपदी कहती है कि पितामह भीष्म से आप मेरी ओर से पूछें कि आज ये धर्म की, अधर्म की, नीति की, अनीति की और कुल मर्यादा और आचार संहिताओं की बात कर रहे हैं। ये सब कुल मर्यादा, धर्म, अधर्म, नीति, अनीति, न्याय और अन्याय तब पितामह भीष्म का कहां गया था जब धृतराष्ट्र की महासभा में सभी पूर्वजों के सामने, सभी ऋषि मुनियों के सामने और सभी समवयस्क मेरे जेठ और देवरों के सामने जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, तब पितामह भीष्म क्यों मौन थे और उस समय उनकी ये धर्म अधर्म की, नीति और अनीति की बात कहां गई थी। ये द्रौपदी ने प्रश्न किया है और उसका उत्तर देते वक्त पितामह भीष्म बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं कि बेटा द्रौपदी, तेरा तर्क बहुत सही है कि उस समय मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मेरा उत्तर भी तू सुन ले कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था और व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन, बुद्धि और विचार हो जाते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, इसका जो शास्त्रों ने जो मर्यादाएं प्रदान की हैं, केवल कल्पनाएं नहीं हैं, उसके पीछे बहुत गहराई पूर्वक की विचारधाराएं हैं, उसके पीछे कई प्रकार के तर्क और वितर्क जुड़े हुए हैं। राजस्थान के एक लेखक हैं श्याम जी रावत करके, उन्होंने लिखा है कि भगवान ने दो प्रकार की सृष्टि बनाई है। एक तो ऐसी सीधी आकृति वाले हैं जो पशु हैं, जो टेढ़ी आकृति में हैं, और एक बिल्कुल सीधी आकृति में हैं जो मनुष्य है। जो बिल्कुल टेढ़ी आकृति में है, पशु हमेशा टेढ़ी आकृति में है और मनुष्य हमेशा सीधी आकृति में है। दो प्रकार की सृष्टि बनाई है भगवान ने। लेकिन जो टेढ़ी आकृति में बनाई है सृष्टि को भगवान ने, वो हमेशा सीधे 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 रास्ते पर चढ़ते चढ़ते चली जाती है, और जिसको सीधी आकृति में भगवान ने बनाया है वो मनुष्य हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाकर और अपना पथ भूल जाता है। शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देही श्री कृष्ण सेव्य। शास्त्र का अवगाहन करके मन, वाणी और वचन से हमें अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। और भी जो प्रश्न हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं, वो अपना प्रश्न का समाधान व्यक्तिगत रूप से आरती के बाद में बैठूं तो अपना समाधान प्राप्त कर लें। समय मर्यादा पूरी हो रही है, इतदर्थ मैं विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन जीवन में अवसर बहुत आते हैं, लेकिन जीवन में प्रसंग कभी कभी आते हैं। रोज जब सूर्योदय होता है, एक नया अवसर भगवान हमें प्रदान करते हैं, लेकिन प्रसंग जीवन में कभी कभी आते हैं, जहां प्रेम भी हो, संत का संग भी हो,
और ज्ञान की गंगा भी हो प्रसंग। और ये तीनों जब आते हैं जीवन में तो महाउत्सव मनाना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध वार्ता है कि एक समय श्री गिरिराज जी के चरणारविंद के वहां जहां मुखारविंद है वहां श्री महाप्रभु जी की बैठक जी है। मध्याह्न का समय था और श्री महाप्रभु जी मध्याह्न में भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर रहे थे और उनके सेवक श्री दामोदर दास हरसानी जी के गोद में अपना मस्तक रखकर और गिरिकंदरा के यहाँ श्री महाप्रभु जी सो गए थे, पहुंच गए थे। उस समय में मध्याह्न में क्या होता है कि अचानक श्री महाप्रभु जी से मिलने के लिए ऊपर गिरिराज पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर से प्रभु गोवर्धन नरन श्रीनाथ जी रुमझुम पायल की झनकार करते हुए मंदिर से नीचे उतर रहे थे, गौचारण करते करते श्री महाप्रभु जी को मिलने के लिए पधार रहे थे। दामोदरदास हरसानी जिनके गोद में महाप्रभु जी मस्तक रखकर पहुंच रहे थे उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी नीचे आ रहे हैं। दामोदर दास जी ने हाथ रोककर ऐसे करके श्रीनाथ जी को खड़ा कर दिया कि हे प्रभु आप जहां हो वहां खड़े हो जाना। भगवान ने पूछा क्या बात है, मेरे गुरु सो रहे हैं, अगर आपके नुपुर की ध्वनि होगी तो उनकी निद्रा में खलल होगा और वो जाग जाएंगे। देखिए एक भक्त को अधिकार देखिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं चल के पधार रहे हैं और गुरु तो अभी पहुंचे हुए हैं, एक भक्त ने ही केवल उनको रोक दिया। भावो भाव नया सिद्ध है, शक्ति से और युक्ति से भगवान नहीं मिलते, भक्ति से भगवान भक्त के वश हो जाते हैं। एक बहुत बूढ़ी वैष्णव बहुत बुजुर्ग महिला थी और उस अम्मा का स्वभाव था कि रोज श्री बालकृष्ण की सेवा करती थी। जैसे हम अपने बालक को निहलाते हैं, उसके बाल संवारते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तेल लगाते हैं, दूध पिलाते हैं, ऐसे वो माँ जी रोज बालकृष्ण की सेवा करती थी और भगवान रोज उसके संग एक बालक के रूप में रहा करते थे और रात्रि को भगवान को वो कहानियां सुनाती थी। और जैसे नानी माँ कहानी सुनाती है और बालक सो जाता है, ऐसे वो माजी वो अम्मा भगवान को वार्ता सुनाती थी, कहानी सुनाती और भगवान सो जाते थे। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे क्या होता था कि माँ भगवान से पहले जग जाती थी और गौ दोहन करके दूध निकाल कर और भगवान के लिए मंगल भोग की तैयारी करती थी। एक बार क्या हुआ कि दरवाजा खुला हुआ था और माँ गौ दोहन कर रही थी और भगवान निद्रा में पहड़े हुए थे। अचानक जो दरवाजा खुला हुआ था उसके अंदर से दरवाजा के अंदर एक बिल्ली ने प्रवेश किया, एक बिल्ली अंदर द्वार के अंदर से प्रवेश कर गई और जैसे ही बिल्ली ने अंदर जाकर आवाज की भगवान की आंख खुल गई और भगवान उस आवाज से डरकर तकिए के ऊपर बैठ गए। और ये पूरा दृश्य उस अम्मा ने जो गौ दोहन कर रही थी गौशाला में उसने भगवान का ये दृश्य देखा कि भगवान बाल कृष्ण डरकर तकिए के ऊपर जाकर बैठ गए हैं, अपना पात्र रखा गोदी से नीचे और गौ दोहन करती करती अम्मा अंदर उठ के आई और भगवान से कहा अरे बाल कृष्ण बड़े बड़े राक्षस और दैत्य दानव तुझसे डरते हैं, घबराते हैं और पूरा ब्रह्मांड अस्थिर हो जाता है जब तुझे क्रोध आता है और तेरे क्रोध से लक्ष्मी भय विवर्धना, जब तने नरसिंह का अवतार लिया था तब तो साक्षात लक्ष्मी जी को भी भय लगने लगा था, इतना तुझे क्रोध आया था और इतना विकराल स्वरूप तने धारण किया था और इतना बड़ा महान होकर एक छोटी सी बिल्ली से तू डर गया। भगवान ने कहा कि अगर मुझे उस परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखना है तो फिर हम ऊपर मिलेंगे, मैं अपने माँ का वात्सल्य पा रहा था, बालक के रूप में तेरे साथ में रह रहा था, तुझे अगर मुझे ईश्वर समझना है तो फिर ऊपर मिलेंगे।
जब बालक के रूप में हम भगवान को बचते हैं तो भगवान भी अपने बालक बन जाते हैं। दामोदर दास जी ने भगवान श्रीनाथ जी को रोक दिया और भगवान ठाड़े रहे। जब भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की जब निद्रा भंग हुई, आंख खुली, उस समय वे बड़े नाराज हुए दामोदर दास जी पर कि प्रभु को क्यों रोका। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि नहीं, उनका कर्तव्य था कि गुरु की भक्ति में बाधा खड़ी ना हो, चाहे मैं क्यों ना हूं। ये जब मैं वृत्तांत अपने अध्ययन काल में अभ्यास करता था, जब मैं पढ़ रहा था, तब मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि दामोदर दास जी ने भगवान को रोका और वो रुक गए। भगवान के रुकने से वल्लभाचार्य जी नाराज हुए और दामोदर दास जी को कुछ शब्द कहे। ये सब प्रसंग पढ़ने के बाद मेरे मन में आया कि एक भक्त में कितनी ताकत होती है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को भी ऐसे हाथ रोक कर, हाथ केवल दिखाकर रोक सकता हो। जो हाथ रोक बताने से रुक सकता हो, वो हाथ यूं करने से, बुलाने से आ क्यों नहीं सकता, आकर हमारे गोदी में उसी प्रकार से बैठकर और विहार कर सकता है। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरार प्यादार्पित चित्त वृत्ति तद्धाधिकम गोप मधु कदम्बा गोविंद दामोदर माधवेति। मथुरा के राज सिंहासन ऊपर तो कंस का राज था, पर मथुरा वासियों के हृदय सिंहासन के ऊपर ब्रज की गोपिकाओं ने, गोकुल वृंदावन और मान सरोवर की, कुसुम सरोवर और चंद्र सरोवर की गोपीजनों ने मथुरा की जो नगरजन थे उनके हृदय सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का राज्याभिषेक कर दिया था। जब दही दूध और गोरस बेचने के लिए आती थी तो दही लो, गोरस लो, माखन लो, छाछ लो, ऐसे करके वो नहीं बेचती थी। दद्याधिकम गोप मधु कदम्बा गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद लो, दामोदर लो, माधव लो, केशव लो, यूं कहकर और वो दही दूध और गोरस बेचती थी तो सभी के हृदय सिंहासन के ऊपर भगवान का साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो आपके और हमारे हृदय के ऊपर भी उसी प्रकार से भगवान का एक छत्र, भगवान श्री द्वारकाधीश का एक छत्र राज्य रहे और आप सभी के, हम सभी के अंतरात्मा में वो वृंदावन विहारी सदा विहार करता रहे। वो रुंझुन बजने वाली जो पायल है वो हमेशा हमारे कानों में झनकार लगाती रहे और इन आंखों से अधरम मधुरम मधुनम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम ऐसे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री द्वारकाधीश प्रभु का जो माधुर्मय माधुर्यमय स्वरूप है, उनके मुखारविंद को देखकर, नेत्रों को देखकर, चरण को देखकर, भुजाओं को देखकर, श्रृंगार को देखकर, स्मित को देखकर आप प्रसन्न हो और भक्ति को, उस माधुर्य को प्राप्त करें। क्योंकि भगवान का जो स्मित है, जो हास्य है, वो हमारी चिंताओं को दूर कर देता है, हमारी चिंताओं का नाश कर देता है।